नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा और स्वागत है आपका आशाज कॉर्नर में। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा क्लोविया का कुछ हॉल, कुछ अंडरगारमेंट्स और कुछ लाउंजवेयर का हॉल। तो चलिए दोस्तों, पैकिंग कुछ शेडो फैक्स के बैग में इस तरह से मिली है मुझे और अंदर बहुत ही खूबसूरत सा ये बैग मिला है मुझे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टाइप का मुझे बैग मिला है। पैकिंग अभी तक मैंने ओपन नहीं की है, चलिए इसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों अंदर पैकिंग में काफ़ी अच्छी पैकिंग में प्रोडक्ट्स आए हैं, सबके सब इस टाइप की पॉली बैग्स में हैं और कुछ इस टाइप की। इसका मैंने खोला था पैकिंग, ये कुछ 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आइटम्स का हॉल है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है हमारे यहाँ मेरा मोस्ट फेवरेट टॉप, जो कि एक लाउंज वेयर टॉप है, जो कि इस पैटर्न में है, 3/4 स्लीव्स के साथ, राउंड नेक के साथ, ठीक है। फिर जो इसका यूएसपी है दोस्तों, वो है इसका बॉटम का पार्ट, ये वाला जिसमें इसमें फ्रंट में ऐसे लिखा हुआ है पॉप करके मेंशन किया गया, देख रहे हैं। और बैक इसका प्लेन है बिल्कुल, बैक में कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइज़ मैंने 2XL मंगवाया है क्योंकि गर्मियां हैं तो मतलब मुझे ना ज़्यादा टाइट सा अच्छा नहीं लगता है, कोई डिस्कम्फर्ट होता है, तो मैं मोस्टली वन साइज़ बिगर ही मंगाती हूँ अपने साइज़ का। मेरा साइज़ XL है तो इसलिए मैंने ये बड़ा, एक साइज़ बड़ा ऑर्डर कर लिया है। देखती हूँ अगर अच्छा ठीक है फिट हुआ तो ठीक है, नहीं अदरवाइज एक्सचेंज करके मैं XL इसको ऑर्डर करूँगी। तो दोस्तों इसका MRP जो है वो है इसका है 1399 का इसका MRP है दोस्तों, और ये क्लोविया का इमोजी ब्रांड का है, ठीक है। और इसका जो है मतलब 1.10 मीटर करके इसकी जो साइज़ दी गई है XL, ठीक है। पिंक कलर में है, फुशिया पिंक है और काफ़ी अच्छा कपड़ा है, होजरी और लाइक्रा का है, स्ट्रेचेबल है, ये देखो स्ट्रेचेबल है मगर काफ़ी अच्छा कपड़ा है देखो, और देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। आप कहीं आउटिंग पे इवनिंग्स में वॉक वगैरह जाते हैं तो उसके लिए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको पहनने पे, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। इसका जो ट्राई वन पिक है वो मैं साइड में लगा दूंगी आपको। फिर नेक्स्ट भी मेरा एक लाउंज वेयर है जो कि एक टी है, ये एक टी भी, उसको आप एक टी या टी शर्ट या ड्रेस भी बोल सकते हो बेसिकली, बट मैं तो इसे टी शर्ट ही बोलती हूँ। नी लेंथ तक आती है मुझे ये, और ये वाली भी मुझे नी लेंथ तक ही आती है। पैकिंग इसकी किसी की भी मैंने अभी ओपन नहीं की है। इनके MRP जो इन पे टैग पे लिखी हुई है उससे काफ़ी कम प्राइस में मैंने इसे लिया था, क्योंकि कुछ ऑफर वगैरह चल रहे थे इसलिए। तो नेक्स्ट है ये वाली इस टाइप की टी, जिसमें फ्रंट में ये वाला डिज़ाइन नेक इसका कुछ इस टाइप का आता है, राउंड नेक है, ठीक है, और फ्रंट में इस टाइप का ये डिज़ाइन है, ये वाला, ये पूरा ये प्रिंट में इस टाइप का एक डिज़ाइन आएगा। स्लीव्स इसकी वो शॉर्ट स्लीव्स होती हैं यहाँ तक की, वो उस टाइप में आएंगी, और बैक फ्रंट कुछ इस टाइप का है, और इसका जो बैक है वो बिल्कुल प्लेन आएगा दोस्तों, बिल्कुल प्लेन है। ये भी एक नाइट वेयर, लाउंज वेयर कुछ भी बोल सकते हो आप, टी है, ये भी XXL में है, और इसका जो प्राइस है वो है 1299 यानी 1300 अराउंड हमें कुछ पड़ा ये, बट मैं आपको बता रही हूँ ना सेल वगैरह चलता रहता है तो आप सेल पे लेंगे तो काफ़ी अच्छे प्राइजेस में आपको ये मिल जाएगा। इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है पहनने पर, और ब्रांड को पिंक में है, क्लोविया का है ये, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है और थिक, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन मटेरियल, जैसे आप होजरी की नाइट सूट वगैरह लेते हैं उस टाइप का नहीं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है ये वाला। फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों एक पजामा सेट की ओर, जो कि इस टाइप की पैकिंग में मुझे रिसीव हुआ है। इसकी ये वाली तो इसकी टी है, ये वाली टी थोड़ी हल्की क्वालिटी की लग रही है मुझे, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी हल्का लगा इसका फैब्रिक, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा ये देखो सी थ्रू लग रहा है मुझे, ये फैब्रिक, वो वाला फैब्रिक सी थ्रू नहीं था बट ये वाला फैब्रिक मुझे थोड़ा सी थ्रू लग रहा है। फ्रंट इसका कुछ इस टाइप का है,
नाउ नेक टाइप का है और स्लीव्स इसकी 3/4 आएंगी, ठीक है। और इसका जो यूएसपी है वो है इसका पायजामा, क्या कि ये जो पजामा है, पजामाज जो बोलते हैं, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है दोस्तों, विद पॉकेट्स है, दोनों साइड आपको ये पॉकेट्स मिल जाएंगी दोनों साइड में, और वेस्ट में आपको इलास्टिक बैंड मिल जाएगा जो इजीली फिट हो जाता है। प्लस इसके साथ ये, मतलब ये इस टाइप की लेंथ आएगी, स्ट्रेट पैंट्स हैं ये। और जो इसके प्रिंट्स हैं ना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्यूट प्रिंट्स हैं इसके ऊपर, देखिए ये डॉग्स के, काफ़ी सुंदर कैट के, डॉग के ना ये प्रिंट्स बने हुए हैं दोस्तों, ये देखो, देख रही हो फ्रेंड्स, ये काफ़ी प्यारे प्रिंट्स इस पे बने हुए हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है ये मुझे ना। इतना मुझे इसका टी इतनी अच्छी नहीं लगी जितना कि मुझे इसका ना पजामा बहुत अच्छा लगा। तो जस्ट फॉर ये सेट था तो मैंने इसको पजामे की वजह से टी शर्ट और ये पूरा सेट ऑर्डर कर लिया, तो काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे, काफ़ी अच्छा मटेरियल इसका, सॉफ्ट भी है प्लस काफ़ी अच्छा मटेरियल इसका। फिर बढ़ते हैं हम लोग कुछ अंडरगारमेंट्स की ओर। तो अंडरगारमेंट्स में मैंने बेसिक सी जो ब्रा होती हैं, या मतलब थोड़ी सी फैंसी हैं, ज़्यादा नहीं है, वो उस टाइप की ब्रा ऑर्डर की हैं जो कंफर्टेबल हो नाइट में, समर्स में, क्योंकि पहले भी समर्स हैं, ऊपर से आपको आजकल कोरोना है तो घर पे ही रहना है, तो मतलब डेली वेयर टाइप की ही ऑर्डर की हैं, जिसमें से पहली वाली है ये वाली, ये कुछ इस टाइप के फैब्रिक में आएगी। यहाँ पर इसको आपको लेस डिटेलिंग मिल जाएगी यहाँ पर साइड में, ये वाली इस टाइप में, और हुक क्लोज़र इसका 3 हुक क्लोज़र में आएगी। ये बैंड्स इसके सिंपल बैंड्स हैं, कोई ज़्यादा फैंसी बैंड्स नहीं है, काफ़ी स्ट्रेचेबल फैब्रिक में है ये वाला, काफ़ी स्ट्रेचेबल फैब्रिक है इसका, और लाइक्रा का कॉटन का बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, अंडर वायर नहीं है बिल्कुल भी ये, और इसके अंदर काफ़ी आपको पहनने के बाद कम्फर्ट फील होता है। आप इसको पहन के सो भी जाएंगे ना तो भी आपको पता नहीं चलेगा आपने ब्रा एक्चुअली वेयर कर रखी, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका फैब्रिक। ये वाइट कलर में है, इसकी पिक मैं साइड में लगा दूंगी, इसकी प्राइस और इसकी साइज़ वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी दोस्तों। तो ये जो है इसकी MRP तो इन्होंने 599 में दे रखी है, बट मैंने इसको एक्चुअली वहाँ पे एक ऑफर चल रहा था कि आप 4 ब्रा लेंगे देते हैं साथ में तो आपको कुछ 799 की पड़ेंगी, तो मैंने उसी में से ये सेक्शन में से इसको 799 में ही इसे बाय किया था। ये वाइट कलर में है दोस्तों, देखो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट वाली थोड़ी फैंसी है, मुझे अच्छी लगी, मैंने ऑर्डर कर लिया। अभी एक्चुअली मैंने इनको ट्राई नहीं किया है, ट्राई करने पे देखते हैं। क्लोविया पे दोस्तों आई थिंक रिटर्न का भी पॉलिसी है, अगर आपको लगता है ना, आई थिंक नहीं, आई नो कि वहाँ रिटर्न पॉलिसी भी है, अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, या कोई भी प्रोडक्ट आपको साइज़ में प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो ईजिली आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। इनका आप ये देखेंगे बॉक्स के ऊपर कितना अच्छा टैगलाइन इन्होंने दे रखा है कि क्राफ्टिंग हैशटैग अंडर फैशन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अंडर फैशन जो ये थिंग इन्होंने मेंशन की है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि अंडर फैशन, क्योंकि हर कोई इतना अच्छे से डील नहीं करता है ना इन सब चीज़ों में। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों इस टाइप का, वो एक बेसिक सी वाइट ब्रा थी जो हम लोग हमेशा करते हैं, ट्राई करते हैं अपने हर एक कपड़े के नीचे, मतलब हर एक ड्रेस के नीचे, टी टॉप हो गया, सूट हो गया, हर एक अटायर के नीचे पहनना पसंद करते हैं। बट कुछ होती हैं जो स्पेशल होती हैं, जो आप कभी कभी पहनते हैं या फिर आपके कोई स्पेशल ओकेजन्स पे ही ट्राई करना पसंद करते हैं, जिसमें आती हैं इस टाइप की ब्रास, ठीक है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्मूथ है, सामने ये इस टाइप का ये बो की डिटेलिंग है, प्लस ऊपर ये मैश नेट लगा हुआ है, कप भी इसके काफ़ी सॉफ्ट हैं, प्लस इसमें अंडरवायर नहीं मिलेगा आपको, तो अंडरवायर नहीं होने की वजह से ना दोस्तों ये भी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। आप जैसे इसको ट्राई करोगी ना तो आपको भी लगेगा कि काफ़ी कंफर्टेबल, ठीक है। इसके ऊपर MRP 449 है, बट ये भी मुझे काफ़ी कम रेट पर मिली है, जो मैं आपको मैंशन कर दूँगी। प्लस इनके साथ ना ये कॉटन रिच ब्रांड है, तो इसके अंदर आपको किसी भी स्किन टाइप की आप होते हो ना, तो आपको कोई भी स्किन की इरिटेशन नहीं होगी, क्योंकि ये कॉटन रिच में आती है, ठीक है दोस्तों। प्लस ये नेट में है यहाँ पे, तो थोड़ी फैंसी हो गई। प्लस इसका जो ये बैंड होता है ना दोस्तों, हम जैसे प्लस साइज़ की जो लेडीज़ हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि साइड में जो बल्जेस की प्रॉब्लम आपको होती है ना, साइड में बल्जेस हो जाते हैं, वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखो बैंड, देखो आप इसका कितना वाइड बैंड के साथ है, ये वाला बैंड देखिए आप कितना वाइड बैंड है इसका, बहुत अच्छा लगता है ये बैंड। प्लस ये साइड में भी इसके अंदर इस टाइप की अंदर की तरफ ब्लैक कलर की डिटेलिंग है,
फ्रंट में भी ये इस टाइप का नेट का बो लगा हुआ है। तो इसके साथ भी वो थ्री क्लोजर का आपको मिलेगा, क्योंकि आप इजीली आपको इसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस ये क्या कॉटन रिच ब्रा है और कलर्ड ब्रा है, तो आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अपनी ब्रा को एक सॉफ्ट जेंटल वॉश में ही वॉश कीजिए, लिक्विड्स जो ज़्यादा यूज़ ना कीजिए, क्योंकि काफ़ी इससे बननी होती हैं, कॉटन रिच है। प्लस इसके ऊपर भी मेंशन किया गया है कि इनको सेपरेटली वॉश किया जाए, अगर आप इसे कलर बाकी कपड़ों के साथ वॉश करेंगे तो ये अपनी ऑसमनेस है वो खो देगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और थर्ड प्रोडक्ट की ओर, सॉरी थर्ड ब्रा की ओर, जो कि है वो भी एक बेसिक ब्रा ही है। ये एक टी शर्ट ब्रा है दोस्तों, ये एक नॉर्मल ब्रा थी, वो एक कॉटन ब्रा थी, तो ये एक नॉर्मल टी शर्ट ब्रा है। इसके अंदर भी ये अंडरवायर नहीं मिलेगा आपको कहीं से भी, यहाँ कहीं भी आपको अंडरवायर कहीं नहीं मिलेगा इसमें। प्लस इसका भी बेल्ट काफ़ी सॉफ्ट है, आपको हर्ट नहीं होता है आपके शोल्डर्स के ऊपर। और इसमें क्या है कि एक बेसिक सी ब्रा है, कोई इसके अंदर मतलब कोई फैंसी चीज़ें नहीं है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेचेबल फैब्रिक है और ये आपको इस पर भी सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मेंशन किए गए हैं। एक्चुअली क्या हुआ, मुझे ये ना साइज़ थोड़ा सा बड़ा ले लिया है मैंने, 40C ले लिया, जबकि मेरा 38 कुछ था, 38C था, तो ये एक नंबर मेरे से बड़ा, गलती से बड़ा आ गया, मैं इसको एक्सचेंज करूँगी। और ये भी आपको 599 की मेंशन किया जाता है टैग के ऊपर, बट ये 599 की नहीं, काफ़ी कम प्राइस में आपको इजीली क्लोबिया पे मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी और बेसिक ब्रा है ये, कॉटन में है और टी शर्ट के नीचे आप इजीली पहन सकते हैं, क्योंकि इसमें सामने की तरफ ऐसा सीम्स नहीं है, क्योंकि टी शर्ट में आप वेयर करते हो ना तो सीम आ जाता है, तो बहुत अजीब सा लगता है। वो चीज़ इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, अंडरवायर बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी बेसिक सी ब्रा है ये, जो आपके वार्डरोब में मस्ट है। अगर आप अच्छी को इन्वेस्ट करते हो तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि अच्छी ब्रा में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि एक वही चीज़ है जो आपको मोस्ट सपोर्ट भी देगी और आपके हर एक कपड़े को उसका जो ऑसमनेस है वो और ज़्यादा उभर के आएगा इसकी वजह से। फिर बढ़ते हैं हम लोग फाइनल ब्रा की ओर, जो कि है ब्लू कलर में, और ये एक फैंसी ब्रा है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ हॉल वीडियो बनाना है तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट ब्रा शो की जाएँ, कुछ बेसिक हो गई, कुछ वाइट में हो गई, एक टी शर्ट है मेरी, टी शर्ट ब्रा है मेरी, क्योंकि मैं गर्मियों में मोस्टली टी शर्ट्स ही वेयर करना पसंद करती हूँ, टी शर्ट्स हो गए, तो हमें ना मतलब टी शर्ट ब्रा भी बहुत ज़रूरी होती है। नॉर्मल ब्रा आप टी शर्ट के नीचे डालोगे ना तो वो चीज़ वो लुक नहीं आता आपके एक अटायर का जो आप चाहते हो। फिर उसके बाद आती है ये वाली ब्रा, ये दोस्तों फुल कवरेज ब्रा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप में फुल कवरेज ब्रा आएगी। ठीक है, इसमें कोई आपको कट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको भी आप इजीली टी शर्ट के नीचे वेयर कर सकते हो, और यहाँ पर भी कोई अंडरवायर नहीं है नीचे, आप देख रहे हो बैंड इसका साइड में काफ़ी वाइड है। ठीक है, प्लस साइज़ वाले आप ध्यान दें इस बात का कि आप जब भी ब्रा लेते हैं ना तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो साइड वाला ये जो बैंड हो ना वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होना चाहिए, ताकि आपकी जो ये साइड का फैट है ये बल्ज के रूप में दिखाई ना दे। अगर आप नॉर्मल ब्रा वेयर करते हैं तो उसमें ईजिली आपके बल्जस दिखाई देते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और साइड में वो थ्री हुक का क्लोज़र है ये वाला। ठीक है, और इसके ऊपर जो एक डिटेलिंग मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा है ये, यहाँ कोई कट नहीं है, पूरा कवर कर लेता है आपको यहाँ तक, 3/4 कवरेज ये हम एक चीज़। और ये जितने भी ब्रा हैं दोस्तों ये सारी 3/4 कवरेज के अंदर आती हैं, मतलब फुल कवरेज या 3/4 कवरेज में आती हैं, क्योंकि अगर आपका बस्ट हैवी है तो आपको कवरेज ज़रूर मतलब आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो होता है वो कवरेज ही होगा, क्योंकि अगर बस्ट हैवी है तो आपको आप नहीं चाहोगे कि जरा सा भी आप यहाँ से मतलब बल्जेस हों या यहाँ से बल्जेस हों या कुछ भी हो, तो ये वाली सारी ब्रा आपको फुल कवरेज में मिलेंगी। तो साइड में इसके इस टाइप की ये डिटेलिंग और लेस दी गई है, देखो ये वाली दोनों तरफ। ये भी एक टी शर्ट ब्रा है, काफ़ी अच्छा ब्रा है, मुझे काफ़ी पसंद आया इनकी ब्रा, फर्स्ट टाइम मैं इनको ट्राई कर रही हूँ दोस्तों, अदरवाइज मैं मोस्टली बॉडी केयर के ही ट्राई करती हूँ जो लोकल शॉप्स में मिलते हैं, बट अब क्या है ना कि टाइम ऐसा चल रहा है दोस्तों, कोरोना इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है कि मन नहीं करता है, और मन भी क्या मतलब हम लोग चाहते ही नहीं है कि हम बिल्कुल भी घर से बाहर जाएँ, अब तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है दोस्तों, इसलिए आप लोगों से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्टे एट होम, जितना हो सके घर पे रहें, अपने लव्ड वंस को भी कहें कि वो घर पे ही रहें, और मास्क हमेशा वेयर करें अगर आप बाहर जाते हैं तो दोस्तों इन सब के साथ ना मैंने जैसे फर्स्ट टाइम ऑर्डर प्लेस किया था, तो इन सब पूरे प्रोडक्ट के साथ में ये जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं
इनके साथ में मुझे ये वाला कैमिसोल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। देखो ये इस टाइप का एक कैमिसोल है, बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक सा है, बहुत ही इसका लाइट वेट और बहुत थिन फैब्रिक में है, लाइक्रा का है, जैसे पहले हम लोग लेगिंग्स पहनते थे, काफ़ी स्ट्रेचेबल है। तो इस पे मेंशन है कि ये फ्री साइज़ है, जैसे मेरी साइज़ वालों को भी आ जाएगा, एक्सल वालों को आ जाएगा, डबल एक्सल को भी इजीली ये आ जाएगा, ठीक है। इसकी प्राइस इन्होंने मेंशन की थी 499, बट आई थिंक बिल जो मुझे रिसीव हुआ उसके अंदर इसकी प्राइस 60 रुपीज़ अराउंड कुछ लिखी हुई थी। और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरे पास ऐसा कैमिकोल था भी नहीं, तो मैंने कहा चलो गर्मियों में डालने के लिए, टैंक टॉप भी बन सकता है, आप स्पोर्ट्स ब्रा के ऊपर भी इसको इजीली ट्राई कर सकते हैं टैंक टॉप के रूप में, और वैसे भी आप कैमिसोल चाहें कि आपको सूट तो आप इजीली पहन सकते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। क्लोविया की सारी डिटेल्स मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपको कैसे बाय करना है। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।